हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सिखाएंगे ईमेल आईडी बनाने के लिए। ईमेल आईडी का बहुत ही उपयोग होता है। जैसे कोई नया माल खरीदता है तो उसको ईमेल आईडी बनवाना पड़ता है, या कोई मैट्रिक इंटर में एडमिशन लेना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसको ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ता है। यानी ईमेल आईडी का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ज़रूरत पड़ता है। तो इसके लिए गूगल क्रोम खोल लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट ईमेल, क्रिएट ईमेल लिख के क्रिएट ईमेल अकाउंट पर जा करके सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद यहाँ पे क्रिएट जीमेल अकाउंट पे क्लिक करना है। फिर आगे ऑप्शन में आ रहा है, देखिए फॉर माई सेल्फ पे क्लिक कर लेना है। फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ गया, नाम भरना है, या फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, या ईमेल आईडी थोड़ा डिफिकल्ट देना है। जैसे कि मान लिया उसका नाम है सूरज, मान लिया सूरज कुमार नाम है, तो कैपिटल लेटर में सूरज लिखना फर्स्ट वाले में, सेकंड में कुमार लिखना है। इसमें ईमेल लिखना है, इसमें लिखना है स्मॉल लेटर में, इस तरह से सूरज के। और इस पर कुछ नंबर दे सकते हैं, कुछ भी नंबर दे सकते हैं। इसमें बाहर क्लिक करना है। अगर ये रेड हो रहा है तो समझिए कि आप इसमें और भी कुछ ऐड करना होगा, इतना से नहीं होगा। फिर थोड़ा सा दूर और जीरो देते हैं, जब रेड नहीं होगा तब आप इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से बनाना है। और इसका देना पासवर्ड, पासवर्ड देना है 8 अंक का मोबाइल नंबर, या मतलब अपना नाम, या कुछ भी पासवर्ड दे सकते हैं, या शहर का नाम दे दीजिए अपना, कुछ भी दे दीजिए चलेगा। तो इसको देखिए हम करके दिखाते हैं। देखिए इसमें हम कुछ लिख चुके हैं यूजर नेम में, यहाँ पे नीचे रेड भी नहीं आ रहा। यहाँ पासवर्ड डाले हैं, पासवर्ड का अगर आपको देखा जाए 100 पे क्लिक करें तो दिखा क्या पासवर्ड डाले हैं, दोनों में सेम टू सेम डालना है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन है नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, अगला पेज खुल जाएगा। इस पेज में यहाँ पे फोन नंबर मांगा, तो फोन नंबर डालना है अपना, रिकवरी ईमेल ऑप्शन, इसमें कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। देखिए इसको हम पूरा डिटेल भर चुके हैं, पहले यहाँ पे डाल दिए फोन नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का डेट, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ईयर, साल, जो भी जन्म का साल है, यहाँ पे मेल या फीमेल जो भी है, यहाँ पे क्लिक करके मेल फीमेल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखाएगा, ठीक है। सेंड पे क्लिक करें, एक OTP मोबाइल पे आ जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा कि आपको मोबाइल पे एक OTP जाएगा, जिसको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर लेते हैं। फिर सेंड पे जैसे ही क्लिक किया OTP हम आ गए, मेरे मोबाइल पे OTP आ गया, इसको हम यहाँ पे डालते हैं। इसके बाद यहाँ पे आई एम इन लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है। फिर देखिए आगे प्रोसेस बढ़ते जाएगा, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। जो बन गया ईमेल, ज़्यादा प्रोसेस नहीं रहता है। फिर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक करना है। नो थैंक्स पे क्लिक करने के बाद मेल जीमेल पे क्लिक करिए, इसको लॉग इन हो जाएगा हमारे ईमेल आई। जैसे ईमेल बन के तैयार हो जाए, यहाँ पे देखिए नाम का पहला अक्षर से यहाँ लोगो आ जाएगा लिख के, ठीक है। यहाँ पे शो कीजिएगा तो ईमेल आई दिखाएगा। यहाँ पे इसको फर्स्ट वाला जो मेल आया है इसको क्लिक करके और कस्टमर को प्रिंट आउट दे देना है। इसको क्लिक किया, हाई सूरज सर लिख के आ रहा है। यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रिंटर में जाके और यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंटर कस्टमर को आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी लिख के आ गया है, यहाँ पे भी ईमेल आईडी लिखा हुआ है और ये कन्फर्म हो गया ईमेल। इस ईमेल से आप जो भी ज़रूरत है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।